खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज नए वर्ष की मैं सबको शुभकामना देता हूँ, भाई दूज भी है और बहुत समय के बाद में 24 मार्च से लेकर के 16 नवंबर का एक बहुत बड़ा कालखंड रहा है जिसमें मंदिर बंद रहे पूरे। और जो आघाड़ी सरकार है, महाविकास आघाड़ी सरकार का जो निर्णय है बहुत ही गलत निर्णय है। और ये मंदिर को जो उन्होंने इतना लेट खोला है, ये आस्था का विषय है। मंदिर को उन्होंने पहले खोल देना चाहिए था, क्योंकि आपने देखा कि मधुशाला भी ओपन कर दी है, जो जितने भी जो वाइन्स के शॉप थे उन्होंने धीरे धीरे ओपन किए, लेकिन मंदिर को पता नहीं उन्होंने क्यों बंद करके रखा था, अभी तक मेरी समझ में तो नहीं आया। और इसलिए महाविकास आघाड़ी का निषेध करते हैं, लेकिन फिर भी आज नए साल के निमित्त आज पूरे मंदिर खुले हैं, लोगों के अंदर बहुत उत्साह का माहौल है, क्योंकि मंदिर एक आस्था का विषय है। और इस आस्था के विषय में जैसे ही वो अपने भगवान के दर्शन करते हैं तो 50 से 60% अपने अंदर में एक ऑटोमेटिकली ऊर्जा निर्माण होती है, जिससे उसको लगता है कि मुझे अब कोरोना से मुक्ति मिलने वाली है। और भगवान के सामने भी आज सभी लोग यही प्रार्थना कर रहे थे, उनके जब सुबह में हम मंदिरों में जब जा रहे थे तो एक अजीब सा उत्साह था लोगों में कि 8-9 महीने के बाद लोग अपने भगवान को दर्शन कर रहे थे, साक्षात दर्शन कर रहे थे। और लोगों में एक बहुत तेज भाव था, लेकिन उसी तरह सरकार के विरोध में भी उनकी जो उनके चेहरे पे भाव था कि हमारे भगवान को दर्शन देने के लिए उन्होंने इतना लंबा समय सरकार ने क्यों लिया, ये भी एक प्रश्न चिन्ह था उनके सामने। तो आप जब आज मंदिर पहुंचे थे तो किस तरह से आपने लोगों के बीच में किस तरह का एक खुशी देखने को मिली है आपके लोगों के, और क्या कितना ध्यान दिया जा रहा है मंदिरों में कि अगर भक्त आ रहे हैं तो कोरोना महामारी का भी ध्यान दिया जा रहा है मंदिरों में? जब आज मंदिर खुले, जब हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में जो भी सारी प्रक्रियाएं वो पूरे मानक वो पालन कर रहे थे, लेकिन जब मैंने बात की भक्तों के साथ में तो उनके मन में एक अजीब सा खुशी का भाव था। क्योंकि तो आपने देखा होगा कि जो मार्च का पीरियड और ये 16 नवंबर का पीरियड, इसमें लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, और उस डर के माहौल में जैसे अगर अपने भगवान को देखता है तो ऑटोमेटिकली, मैंने जैसा कहा कि उसके अंदर एक जो बोलते हैं ना कि दवाई तो 50% काम करती है लेकिन दुआ भी काम करती है, भगवान के प्रति लोगों की जो इतनी अगध आस्था है, इतना प्रेम है कि उनको लगने लगा कि अब कोरोना की मुक्ति हो गई है। और मंदिर खुलने से, मंदिर के दर्शन करने से मात्र से आने वाले समय में उनको कुछ भी नहीं होगा, और एक तरह से उनके अंदर में भगवान के प्रति अथाह श्रद्धा का भाव था, और वही भाव आज लोगों के अंदर में खुशी का माहौल देखने को मिला। मैं एक बार पुनः, ये मंदिर जो आज खुला है, आज सभी लोग उसके दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसी तरह महाविकास आघाड़ी जो इतना समय लिया, आपने बसों में इतनी गर्दी आपने करवा दी, सब जगह पे इतनी गर्दी थी, हर जगह पे आपने सब छूट दी, लेकिन मंदिरों को जो छूट उन्होंने नहीं दी उसके लिए उनको भगवान भी कभी क्षमा नहीं करेगा। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी and commitment.